तो आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो UPPCS हो या फिर UPSC हो या फिर दिल्ली UPSI हो या भी जो भी वनडे एग्ज़ाम है, रेलवे के भी एग्ज़ाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के द्वारा जो बिमल जालान पैनल का गठन किया गया था, क्यों गठित किया गया था? तो बिमल जालान पहले जान लेना चाहिए कि बिमल जालान तो जो RBI के गवर्नर भी थे। तो बिमल जालान पैनल का जो गठन किया गया था वो नए बैंकों यानी कि जो भी बैंक RBI के पास जाते हैं अपना काम शुरू करने के लिए, तो जो लाइसेंस RBI के द्वारा दिया था उसी की जांच करने के लिए क्या हुआ था, बिमल जालान पैनल का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं लोग, आपको ये जान लेना चाहिए। तो 1992 में क्या होता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाता है। 1992 में इस मंत्रालय का गठन 1992 में होता है और जस्ट एक साल बाद यानी कि 1993 में पांच समुदायों यानी कि हिंदू को छोड़ के बस मुस्लिम, हिंदू उसमें शामिल नहीं है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, इन पांच समुदायों को क्या किया जाता है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। लेकिन 2014 में क्या किया जाता है, जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है। यानी कि इस तरह से वर्तमान में हमारे देश में अल्पसंख्यक कितने वर्ग हैं, यानी कि 3, 2, 5 और एक जैन, हिंदू निकाल दीजिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, ये 6 समुदाय क्या हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हरा सूचकांक क्या है, ग्रीन इंडेक्स इसको कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रीन इंडेक्स का विकास किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आप देखेंगे उठा के, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पर्यावरण विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय यानी कि जो वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस परिषद अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है कि ये इधर उत्पादन की बात की गई है, खाद्य उत्पादन हुआ या फिर दुग्ध उत्पादन या फिर मत्स्य पालन या फिर उर्वरक, और इधर उनसे संबंधित क्रांतियों का जिक्र किया गया है, तो कौन कौन सी उत्पादन किस किस क्रांति से जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर होगा जिसे खाद्य उत्पादन है, हरित क्रांति 1960 के दशक में, 1965-66 में क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध सफ़ेद होता है यानी कि श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन, मछली क्या होती है, पानी में यानी कि पानी नीला होता है, तो नील क्रांति इससे संबंधित है, और बाकी उर्वरक है, उर्वरक भूरा होता है यानी कि भूरी क्रांति। तो इसका आंसर होगा एक और इधर तीन मिल गया, मत्स्य पालन नील क्रांति है, अन्य उर्वरक भूरी क्रांति, यानी कि 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन आपका क्या हुआ, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्राइसिम किससे संबंधित एक कार्यक्रम है, ट्राइसिम जो है किससे संबंधित कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास, ट्राइसिम जो है ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ट्राइसिम का पूरा नाम है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग
टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका पूरा नाम है, और ये 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, 15 अगस्त 1979 को ट्राइसिंग की शुरुआत की गई थी, और ये ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार, बहिनी दरबार एक समाचार पत्र है और ये महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है और महिलाओं के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा बहिनी दरबार का शुरुआत किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहिनी दरबार जो समाचार पत्र उसको शुरू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि बहिनी दरबार जो है ये मध्य प्रदेश में जो 7 महिलाओं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था और एक हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ और आगे भी पूछने की संभावना है, तो बस इतना ही इसमें समझते हैं कि 2008 में इसकी शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश में 7 महिलाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो जब उत्तर प्रदेश का आप मैप देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर भी पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। अभ्रक सर्वाधिक जो होता है उड़ीसा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि अभ्रक नामक खनिज नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके अधीन किया गया है, तो इसकी शुरुआत जो है नाबार्ड के द्वारा 1995-96 में इसकी शुरुआत की गई है, और ये ग्रामीण RIDF इसका पूरा नाम है, 95-96 में ग्रामीण अवस्थापना यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड के द्वारा 1995-96 में। अगला प्रश्न देखते हैं 1995-96 में नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर होगा नक्शे के द्वारा निर्धनता का दुष्चक्र जो उसकी अवधारणा है उसकी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेरित करने का ये प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब शुरू किया गया है, तो देखते हैं, तो इसको सुमेरित करते हैं कि सर्व शिक्षा जो अभियान था ये 2001 में शुरू किया गया है, साक्षर भारत 2009 में शुरू किया गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया है। तो इस तरह से आपका जो विकल्प होगा वो डी 3, 4, 1, 2 आपका आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो प्रश्न है बखीरा, ओखला, सांडी, महावीर, देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित है इसमें, तो इसका सही जवाब होगा सांडी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हरदोई में अवस्थित है, बाकी बखीरा जो है ये बस्ती में है, सॉरी खलीलाबाद यानी कि सिद्धार्थनगर इसको कहा जाता है, संत कबीर नगर जो खलीलाबाद है इसका वर्तमान नाम संत कबीर नगर है, तो बखीरा वन्य जीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। ओखला जो है ओखला आपका नोएडा में है वर्तमान, गौतम बुद्ध नगर जिला में, और सांडी हरदोई में है, महावीर पक्षी अभियान जो है ये ललितपुर में है। तो आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।